Do tell me from which part of the country you're watching this video, from which city you're watching this video. Secondly, we are starting environment related topics. So the topics which we'll be covering are most important for prelims 2024 and also for mains 2024. So आज के सेशन में हम सिर्फ प्रीलिम्स एस्पेक्ट से नहीं देखेंगे लेकिन मेंस एस्पेक्ट से भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं. वन मोर इम्पोर्टेंट फैक्ट इज जब प्रीलिम्स आप पढ़ोगे उसको मेंस में भी कैसे इंटीग्रेट करना है. जब प्रीलिम्स के फैक्ट्स याद रखोगे तो वो चीजों को आप मेंस में कैसे यूज करना है हम ये भी सीखने वाले हैं. सो इट्स गोइंग टू बी एन इम्पोर्टेंट सेशन बिकॉज अगर आपने नेक्स्ट सिक्स मंथ्स प्रीलिम्स के लिए दे रहे हो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मेंस से कंप्लीटली आउट ऑफ द आपका पूरा कनेक्शन टूट जाए. तो आई एम गोइंग टू टेल यू अ सीक्रेट हाउ यू हैव टू स्मार्टली इंटीग्रेट प्रीलिम्स एंड मेंस एंड दिस वुड हेल्प यू इन मोस्ट ऑफ योर आंसर्स. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है. तो एंश्योर कीजिए कि आज का सेशन डू वॉच इट कंप्लीटली. इंपॉर्टेंट सेशन है, एग्जाम ओरिएंटेड सेशन है. तो लेट्स स्टार्ट इन नेक्स्ट फ्यू सेकंड्स. आई वांट एवरीवन हु इज पार्ट ऑफ दिस सेशन. बहुत सारे स्टूडेंट्स हमेशा पूछते हैं सर इसकी फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं बढ़ रही है. वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, हमने स्टार्टिंग में बोला है एवरी वीडियो का टारगेट 1000 लाइक्स है. इफ यू हैव 1000 लाइक्स विल ब्रिंग मोर सच वीडियोज. बट अब स्टूडेंट्स आर वॉचिंग इट बट द ओनली फीस विच वी आर आस्किंग फ्रॉम यू इज इफ यू कुड लाइक द वीडियो, शेयर योर कमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू कि कैसा लेक्चर्स लग रहे हैं, कौन से टॉपिक्स पर चाहिए. सो विल ब्रिंग मोर सच वीडियो. सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूँ सारे एस्पिरेंट्स को. इफ यू आर वॉचिंग दिस लाइक द वीडियो विल ब्रिंग मोर फ्रीक्वेंसी और इंपॉर्टेंट कंटेंट लेके आएंगे. बिकॉज हर एक वीडियो जो हम लेते हैं इट्स लॉट ऑफ हार्डवर्क इन टू इट. चलेगा, दैट्स एन इम्पॉर्टेंट इनपुट फ्रॉम माई साइड. ठीक है, विल बी प्रोवाइडिंग नोट्स टेलीग्राम ग्रुप पर. पिछले लेक्चर के भी नोट्स हैं, हमने सारे हमारे जो वीडियोज है उसके नोट्स हम टेलीग्राम ग्रुप पर डालते हैं. टारगेट 30 UPSC सर्च कीजिए, टारगेट 30 UPSC. वी हैव अ चैनल ऑफ क्लोज टू 66,000 सब्सक्राइबर्स, एक्टिव सब्सक्राइबर्स हैं. तो वहां पर आपको इसका इनपुट मिलेगा. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज, ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज इज बहुत सारे स्टूडेंट्स वॉन्टेड टू ज्वाइन हमारा परिश्रम प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज. आई वुड लाइक टू टेल यू क्लोज टू 600 सीट्स फिल हो चुके हैं. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू इंक्रीज द प्राइस 2000, मतलब इसका प्राइस 2000-3000 होने वाला है. तो ऑल द परिश्रम वीडियो वॉचर्स व्यूअर्स, अगर आपको पता है हमारी क्वालिटी क्या है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज की क्वालिटी के लिए हमने क्वेश्चंस भी अपलोड किए हैं. तो इफ यू आर इंटरेस्टेड दिस इज एन, मतलब 16th से स्टार्ट होगा, 15th में देयर इज गोइंग टू बी एन ओरिएंटेशन सेशन, 16th से स्टार्ट होगा. तो आई वुड रिक्वेस्ट अगर आप सीरियस हो अबाउट योर प्रीलिम्स अटेम्प्ट, तो वी आर टेकिंग, मतलब वी आर गिविंग यू 72 टेस्ट एट जस्ट 1000 रुपीज. इसमें 50 टेस्ट अराउंड GSK होने वाले हैं एंड 20 टेस्ट CSAT के. इट्स गोइंग टू बी एन अमेजिंग इनिशिएटिव. आप क्वालिटी ऑफ MCQs देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला है. नेक्स्ट इज if you see news articles, so starting today with respect to news articles, one thing you should know is the kind of UPSC question pooch raha hai environment se is linked to current affairs. Koi aapka jo bhi aap static books padh rahe ho usse hardly 2-3 question aa rahe hain. Maximum number of question aap dekh lo, aap padh rahe ho ye hollow confidence ke liye aap padh rahe ho. Static books is just for understanding. Jo bhi environment ke liye aap source padh lo wo sirf understanding hai. If that source is not linked to current affairs, environment ke liye environment is majorly current linked with static. Ye 100% aap jaake questions dekh lo aur kaun sa address ho raha hai aapke book se aap khud poochiye. To important hai hum फोकस एनवायरनमेंट पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एनवायरनमेंट ऐसा सब्जेक्ट है जो बुक से नहीं आ रहा है, वो करंट एंड उसके बैक लिंकेजेस से आ रहा है. ये हमने प्रीवियसली भी बता दिया है. टू गिव यू एन एग्जांपल, आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं इज विद रिस्पेक्ट टू इनवेसिव एलियन स्पीशीज पर लेने वाले हैं एंड हाउ वी आर डूइंग इट. हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, ये डाउन टू अर्थ से बहुत सारे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है. तो अगर हम एक टॉपिक कवर करते हैं तो हम कितना डेप्थ में जाते हैं. आज हम जब इन्वेसिव एलियन स्पीशीज देखेंगे तो हम उसका डेफिनेशन देखेंगे, मेंस पर्सपेक्टिव से रीजन इम्पैक्ट व्हाई वी आर सीइंग राइज ऑफ एलियन स्पीशीज, उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, क्या मेजर्स लेना चाहिए. देन वी हैव एन इंपॉर्टेंट रिपोर्ट विद रिस्पेक्ट टू इन्वेसिव एलियन स्पीशीज विच इज ब्रॉट आउट बाय IPVS. तब उसके बेसिक ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे. बट नॉट जस्ट स्टॉपिंग हियर, वी आर गोइंग टू हैव 4-5 आर्टिकल्स. इफ यू सी न्यूज आर्टिकल्स की, इतने सारे न्यूज आर्टिकल्स है विद रिस्पेक्ट टू इन्वेसिव एलियन स्पीशीज, तो हम सारे कवर करने वाले हैं. द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, सब जगह इन्वेसिव एलियन स्पीशीज के बारे में वी हैव न्यूज आर्टिकल्स. विद रिस्पेक्ट टू कैरेबियन पर्ल्स म्यूसल, एक इंपॉर्टेंट इन्वेसिव एलियन स्पीशीज है विच इज अफेक्टिंग आर ऑयस्टर कल्टीवेशन, बहुत सारी चीजों को अफेक्ट कर रहा है. तो ये सारे चीजों पर हम फोकस करने वाले हैं. तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछेंगे सर आपके कंटेंट से क्वेश्चन आते हैं क्या. पिछले साल का ये मैं प्रूफ के साथ इसलिए लाया हूँ कि पिछले साल जो हमारा टारगेट 140+ बैच था, जहाँ ग्लोबल इमेजिव प्रोग्राम हमने लिया था,
लेक्चर नंबर 34 में लिया था। ये प्रूफ के साथ मैं बताता हूँ कि ऐसे नहीं कि हम जो बोलते हैं वो करते नहीं है, क्योंकि जब हम डेप्थ में पढ़ेंगे तो वो चीजें हिट होगी। तो ये पिछले साल की भी लेक्चर्स किसी ने किए तो उनसे भी कर आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। एनवायरमेंट मॉड्यूल जिसने किया था उसको भी पूछ सकते हैं, उनके नोट्स के मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगा। सो थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू, ये कहीं नहीं कवर था, लेकिन पिछले साल भी देयर वर फाइव टू सिक्स आर्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू इन्वेसिव एलियन स्पीशीज, तभी भी हमने ये चीज ली थी। सो बेसिकली गोइंग बैक टू द बेसिक्स, जब भी इन्वेसिव एलियन स्पीशीज की बात आती है तो व्हाट आर इन्वेसिव एलियन स्पीशीज, सो हियर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज इंपॉर्टेंट। अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, सो देर आर टू डिफरेंट टर्म्स, एक तो है एलियन स्पीशीज क्या होता है एंड एक इन्वेसिव एलियन स्पीशीज क्या होता है। सो बेसिकली व्हाट वी हैव सीन इज इन द रीसेंट रिपोर्ट बाय IPBS, दैट रिपोर्ट हैज सेड देर आर 37,000 एलियन स्पीशीज अक्रॉस, 37,000 एलियन स्पीशीज अक्रॉस across the world. अब एलियन कितने हैं, 37, उसमें से भी इन्वेसिव एलियन स्पीशीज विच आर डेंजरस आर ओनली 10%। तो एक इंपॉर्टेंट है एलियन स्पीशीज क्या है एंड इन्वेसिव एलियन स्पीशीज। सो बेसिकली हियर हम जो डेफिनेशन देख रहे हैं ऑफ IAS, हमारे IAS नहीं है बट इन्वेसिव एलियन स्पीशीज, वेयर इन्वेसिव एलियन स्पीशीज क्या है, आर प्लांट्स एनिमल्स पैथोजन कुछ भी हो सकता है, दे आर नॉन नेटिव टू द इकोसिस्टम एंड विच मे कॉज इकोनॉमिक एनवायरमेंटल एंड ह्यूमन हेल्थ को हार्म कॉज कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए। एलियन स्पीशीज मतलब क्या हो गया, ओनली एलियन स्पीशीज आर दो स्पीशीज विच आर नॉट नेटिव, उसमें से भी कुछ पार्ट ऐसे हो सकते हैं विच आर इंपैक्टिंग द एनवायरमेंट इन अ नेगेटिव वे, विच कैन बी इंपैक्टिंग आर हेल्थ आर इकोनॉमी इन अ नेगेटिव वे। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए। एंड व्हाई दिस टॉपिक इज इन न्यूज, बिकॉज रिसेंटली IPBS इंडियन, तो एक इंपॉर्टेंट है इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म फॉर बायोडाइवर्सिटी IPBS ने एक रिपोर्ट निकाला है। रिपोर्ट का नाम क्या है, असेसमेंट रिपोर्ट ऑन इन्वेसिव एलियन स्पीशीज एंड देयर कंट्रोल। तो एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पर आपको के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि जब भी आप फिल्म्स पढ़ते हो तो आप ये रिपोर्ट्स पढ़ते हो कि किसने निकाला है, जैसे IPBS इज ब्रॉट आउट, दिस रिपोर्ट इज ब्रॉट आउट बाय IPBS। लेकिन मेंस पर्सपेक्टिव से ये कहां याद रखना है कि देख लो प्रीलिम्स एंड मेंस अगर जब तक लिंक नहीं करोगे ना तो प्रिपरेशन इनकम्प्लीट है। तो बायोडाइवर्सिटी लॉस आने वाला है मेंस पर्सपेक्टिव में, तो वहां इंपॉर्टेंट है कि आपको ये रिपोर्ट्स का यूज करना है। ऐसे नहीं कि ये रिपोर्ट्स किसने निकाला है, सिर्फ प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ही पढ़ो, लेकिन इन टॉपिक्स को जब भी आप कोई फैक्ट्स बोल रहे हो कि इंडिया सीइंग लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, रीजंस में लिखोगे, अगर आप उसको सपोर्ट करोगे रिपोर्ट के साथ, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑफ IPBS असेसमेंट रिपोर्ट ऑन इन्वेसिव एलियन स्पीशीज की इतना लॉस हो रहा है बायोडाइवर्सिटी का, इतना इकोनॉमिक लॉस है, तो ये रिपोर्ट्स का यूज कहां करना है, इज टू सब्सटैंशिएटी ऑफ फैक्ट्स। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है, जितना आप इसको सब्सटैंशिएशन के लिए यूज करोगे उतना प्रीलिम्स एंड मेंस इंटीग्रेशन होगा। इंट्रोडक्शन में ये रिपोर्ट्स बहुत काम आते हैं, जब भी आपको लिखना है बताना है कि कुछ चीजें हो रही है, इफ यू सब्सटैंशिएट विद विद दिस रिपोर्ट्स इट वुड बी वेरी हेल्पफुल, आपको एक एक्स्ट्रा मार्क मिलेगा। सो दिस रिपोर्ट विथ रिस्पेक्ट टू इन्वेसिव एलियन स्पीशीज इज ब्रॉट आउट बाय IPBS। जब भी हम कोई ऑर्गेनाइजेशन मिलती है हमारा रोल ये होता है कि उसके बारे में जाने। सो बेसिकली इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म फॉर बायोडाइवर्सिटी इन इको सिस्टम, ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एक इंपॉर्टेंट है। एंड द एम ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज टू इम्प्रूव द इंटरफेस बिटवीन साइंस एंड पॉलिसी ऑन इश्यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विस। तो मतलब क्या हो गया, जैसे IPCC करता है उसी तरीके से ये बायोडाइवर्सिटी के लिए कर रहा है। IPCC डज इट फॉर क्लाइमेट चेंज, दिस ऑर्गेनाइजेशन डज इट फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉस। सो वॉट वी आर डूइंग थ्रू दिस इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इज दिस ऑर्गेनाइजेशन ट्राइज टू ब्रिंग अस द फैक्ट्स कि सच में वी आर सीइंग बायोडाइवर्सिटी लॉस, वॉट इज द रीजन बिहाइंड इट, अगर बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ तो क्या इंपैक्ट होगा। तो ये एंड ऑर्गेनाइजेशंस ने, गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लेने चाहिए लुकिंग एट द डेटा विच इज ब्रॉट आउट बाई IPBS, तो क्या मेजर्स लेने चाहिए, तो पॉलिसी एंड बायोडाइवर्सिटी का लिंकेजेस करता है, सो दैट इट गिव्स अ साइंटिफिक रीजन टू इट कि इट टेल्स अस कि सच में बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, कितना बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, क्या मेजर्स लेने चाहिए बाय गवर्नमेंट। तो ये सारे वर्क इज डन बाय IPBS। एंड वन ऑफ द मेजर reasons फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉस इज इनविजिबल एलियन स्पीशीज, तो उस पर्सपेक्टिव से ये ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट निकाला है।
To tell you, this organization has a similar role such as IPCC, जो हम पढ़ते हैं for with respect to climate change. इसका headquarter Bonn, Germany में है. It was formed in 2012 after the 65th UN General Assembly who urged UNEP to form this organization. तो एक important fact आपको पता चाहिए. What is the finding? So the finding is important because you will definitely have a mains related questions from this topic. 2024 के mains में you can expect a question. And in general also, we are seeing a biodiversity loss. Biodiversity loss is not just because of climate change, but it is also because of invasive alien species. तो ये point हर जगह आपको use करना है. आपका narrow perspective से preparation नहीं चाहिए. आप इतना fluidic knowledge चाहिए कि आपको ये topic, अगर biodiversity loss question आए तो you have to use this. You have to use it at multiple places. Impact of globalization. Impact of globalization क्या हो रहा है? कि we are having invasive alien species into India. And this is because of globalization. तो ये fluidic knowledge चाहिए आपका. So what is the impact? What is the output of this report? This report says there are 37,000 alien species across which 3,500 are alien species. So एक important है, इसमें से कौन से ज्यादा है? 6% plants है, 22% invertebrates, 14% vertebrates and 11% microbes है. And what this report says is 80% of countries have targets related to managing invasive alien species, but only 17% have national laws. तो एक important है, 80% के पास targets है, लेकिन only 17% of the countries have made any specific plans. Next is this report also says, नहीं क्या? In the मतलब this also report says that shows that 45% of all countries do not invest in the management of biological invasions. So 45% of countries इसमें invest ही नहीं करते हैं. Next is with respect to recent most common cause, most common invasive alien species across the world is water hyacinth. एक important है, आपको पता चाहिए. And lantana is also an important invasive alien species which you should know. Brown rat and house mouse is also widespread invaders. So ये कुछ important invasive alien species आपको पता चाहिए. Next is with respect to controlling invasive alien species, you should know that there are few initiatives at the global level which we have taken. सबसे important है with respect to target 6 of Kunming Montreal Global Biodiversity Framework. ये CBD के अंदर framework है, between 2022 to 2030 हमने previously भी देखा था. तो ये framework के अंदर we have target number 6 which looks into preventing or reducing invasive alien species और इसका introduction कम करना है by 50% by 2030. तो Kunming Montreal Global Biodiversity Framework के under, which is under CBD, हम क्या कर रहे हैं? We are trying to reduce the invasion of invasive species by 50%. एक important fact है. Next is, you should know कि what are the factors? तो मेंस पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन आएगा. प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से तो हमने IPBS का डिटेल्स देख लिए, हमने देख लिया कि किसने रिपोर्ट, कौन से रिपोर्ट पब्लिश की कर दी, हमने देख लिया डेफिनेशन क्या है इनवेसिव एलियन स्पीशीज एंड एलियन स्पीशीज का क्या डिफरेंस है. बट मेंस पर्सपेक्टिव से आएगा कि व्हाट आर द रीजंस फॉर राइजिंग इनवेसिव एलियन स्पीशीज. एवरी ईयर 200 न्यू एलियन स्पीशीज आर बीन फाउंड एंड इसका रीजन क्या है. First and most important is globalization of trade and travel. तो important है, जब भी हम negative impact of globalization लिखोगे तो वहाँ invasive alien species लिखना जरूरी है. क्योंकि आप narrow perspective से negative aspect of globalization सिर्फ societal aspect या economic aspect से लिखोगे तो narrow perspective हो गया. आपको environmental perspective से क्या होगा कि what we have seen is, we have seen that cargo ships हो गया, aeroplanes हो गया, vehicles हो गया, human induced globalized invasive alien species transportation जो हो रहा है. And few of the important species जो हम देखते हैं, जैसे black rat हो गया, which is considered as world's worst invasive alien species, is brought out through globalization से आया है. तो एक important fact आपको पता चाहिए. Next is Caribbean false mussel जो हम देख रहे हैं, इंडिया में भी जो मिलता है, is जो केरला में मिला था, that is also impact जो ship से आया है, globalization के वजह से आया है. तो एक important invasive alien species जो केरला में हमने देखा है, which is affecting all the the ecosystem, aquatic ecosystem को affect कर रहा है. Next is the other reasons why we have seen rise of invasive alien species is, एक तो है कि introduction of exotic species by humans. Humans भी क्या कर रहे हैं, as we are traveling more तो human introduced होते हैं. Next is we have climate change also, because क्या हो रहा है, climate change के वजह से we have seen change in the rainfall pattern, precipitation, climatic pattern. So we have seen migration of animals across ecosystem. So what we have seen is climate change is also reason for invasive alien species. So invasive alien species क्यों बढ़ रही है? अगर किसी ने question पूछा तो you should know that globalization
क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन इंड्यूस या एंथ्रोपोजेनिक रीजंस भी है, तीन इंपॉर्टेंट रीजंस है, ठीक है। रीजंस पता चल गया क्यों इंपैक्ट ज्यादा है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या इंपैक्ट है। जब तक इंपैक्ट नहीं देखोगे डेफिनेटली आपका आंसर इनकम्प्लीट रहेगा, क्योंकि इंपैक्ट ऑफ इन्वेसिव एलियन स्पीशीज किस पर हो रहा है, इकोलॉजिकल इंपैक्ट हो रहा है। क्यों इकोलॉजिकल इंपैक्ट, वी हैव सीन द कॉन्सेप्ट ऑफ नीश, नीश इज व्हाट, व्हाट इज द हैबिटेट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलते हैं, होम एंड हैबिटेट ऑफ दैट स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को हम नीश बोलते हैं। कब, जब कोई इन्वेसिव एलियन स्पीशीज आता है तो क्या होता है उसका नीश, व्हेन टू पर्सन हैव सेम, टू ऑर्गेनिज्म हैव सेम नीश, कंपटीशन बढ़ती है, कंपटीशन बढ़ गया तो क्या होता है, नेटिव स्पीशीज गेट अफेक्टेड, कंपटीशन फॉर फूड, तो इकोलॉजिकल इंबैलेंस क्रिएट करता है। इकोलॉजिकल इंपैक्ट में व्हाट वी हैव सीन इज एक्सटिंक्शन ऑफ वेरियस स्पीशीज अक्रॉस वर्ल्ड, देयर इज लॉट ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉस बिकॉज ऑफ इन्वेसिव एलियन स्पीशीज, एंड अक्रॉस द फोर मेजर reasons for loss of biodiversity में उसको evil quartet बोलते हैं। इसमें कौन से हैं, first is climate change, pollution हो गया, change in land use and direct exploitation of the species, and मतलब with respect to invasive alien species एक number reason है। तो चार reasons कौन से हो गए, invasive alien species, pollution हो गया, climate change हो गया, and with respect to direct exploitation of the species, तो ये चार important reasons हैं जिस वजह से evil quartet बोलते हैं। इसमें invasive alien species भी एक important factor है, major reason for biodiversity loss। तो ecologically what we have seen is there has been a loss of biodiversity because of invasive alien species। तो मतलब it has been one of the reasons, 60% मतलब major driver है in 60% of the species, and 16% में it is the only reasons, only driver। तो 60% of the species extinction में एक important driver है of their extinction, whereas 16% of species is lost just because of this invasive alien species, and around 218 invasive species is responsible for more than 1200 local extinctions। तो इसका impact क्या है, ये सारा IPBS की report से आया है। तो important है, one of the important impact is we have loss of बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल इंपैक्ट है। इकोलॉजिकल इंपैक्ट इसलिए है क्योंकि हर एक इकोसिस्टम का एक कैरिंग कैपेसिटी होता है। व्हेन वी हैव इन्वेसिव एलियन स्पीशीज तो क्या है, कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाता है, एंड वी हैव सीन डिक्रीज इन द नंबर ऑफ स्पीशीज। तो बेसिकली एक इकोसिस्टम कितने स्पीशीज, कितने नंबर ऑफ सिंगल स्पीशीज को, कितने पॉपुलेशन को हैंडल कर सकता है, तो इन्वेसिव एलियन स्पीशीज से कैरिंग कैपेसिटी अफेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट इज IPBS का रिपोर्ट बोलता है, इकोनॉमिक इंपैक्ट पर भी ध्यान देता है। इट सेज $23 billion का लॉस हुआ है इन 2019 बिकॉज ऑफ इन्वेसिव एलियन स्पीशीज। तो एक इंपॉर्टेंट है, इट इज अफेक्टिंग आर फूड सप्लाई चेन बिकॉज ऑयस्टर्स एंड काम्स आर बीइंग अफेक्टेड बाय हमारा जो कैरिबियन फॉल्स मुसल है विच वॉज फाउंड इन केरला। तो इट इज अफेक्टिंग आर एग्रीकल्चर, आर फिशरीज, तो इन्वेसिव स्पीशीज इज अफेक्टिंग आर फूड सिस्टम ऑल्सो। हेल्थ इम्पैक्ट जैसे मलेरिया, जीका, वेस्ट नाइल इज इन, मतलब जो ये डिसीजेज है आर स्प्रेड बाय इन्वेसिव मॉस्किटोज, जो एनाफिलस हो गया, एडीज मॉस्किटो हो गया, दीज आर इन्वेसिव स्पीशीज। तो क्या है, दिस इट इज लीडिंग टू ऑल द हेल्थ इम्प्लीकेशन ऑल्सो। नेक्स्ट इज इंडिजिनस पीपल आर ऑल्सो अफेक्टेड बिकॉज ऑफ इन्वेसिव एलियन स्पीशीज। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए, एंड इट इज क्रिएटिंग स्ट्रेस अमॉन्ग देम। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है, इट इज अफेक्टिंग देयर एक्सेसिबिलिटी टू लैंड, लेबर वर्क बढ़ रहा है क्योंकि उनको निकालना पड़ता है, एक इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन एनिमल वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस इन्वेसिव एलियन स्पीशीज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंपैक्ट आपको पता चाहिए जब भी हम इन्वेसिव एलियन स्पीशीज की बात करते हैं। ये मैं PDF दूंगा, तो यू हैव एन मतलब यू विल हैव एन व्हाट डू यू से अपडेट ओवर इट। ठीक है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज व्हाट आर द सजेशंस विच आर गिवन बाय IPBS रिपोर्ट। तो सजेशन ये दिया है कि वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड, अर्ली डिटेक्शन जरूरी है एंड रैपिड रिस्पॉन्स जरूरी है। कोई भी अगर डिजास्टर है तो ये तीन चीजें है, एक तो है प्रिपेयर्डनेस, अर्ली डिटेक्शन एंड रैपिड रिस्पॉन्स। हमें इसको इन्वेसिव एलियन स्पीशीज को क्या कंटेन करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच चाहिए, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए। एंड एट द ग्लोबल लेवल all the important conventions are dealing with invasive alien species, jaise humne Kunming Montreal global biodiversity framework dekha, which looks into conservation of biodiversity between the period of 2020 to 2030, which has set a target under target 6 that 50% se hame invasion kam karna padega. Then CBD ke under we have an important initiative which looks into curbing invasive alien species. CMS ke under we have measures which countries have to take to reduce invasive alien species. Next is we under sites also we have all the measures. So charo major conventions ke under the there are measures or there are provisions to contain invasive alien species. So ek important fact aapko janna zaruri hai. Next is
globally, at the global level, what measures we are taking, we have global invasive species database, which is important fact aapko pata chahiye, which is a free online researchable source of information of all the alien and invasive species, which is negatively impacting biodiversity. So, global, हमने क्या कर दिया, एक रिसोर्स बेस बना दिया. अब ये ग्लोबल इन्वेसिव स्पीशीज डेटाबेस इज मैनेज्ड बाय इन्वेसिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप ऑफ द स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन ऑफ IUCN. तो कौन मैनेज कर रहा है इसको, इंपॉर्टेंट है, इन्वेसिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप. लेकिन ये ग्लोबल इन्वेसिव स्पीशीज प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड, आपको पता चाहिए, इट वॉज स्टार्टेड अंडर ग्लोबल इन्वेसिव स्पीशीज प्रोग्राम. तो ग्लोबल इन्वेसिव स्पीशीज प्रोग्राम के अंडर हमने स्टार्ट किया ग्लोबल इन्वेसिव स्पीशीज डेटाबेस, इसको मैनेज कर रहे हैं इन्वेसिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप, ये आपको पता चाहिए. एंड दिस इज अंडर स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन, स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन विच इज पार्ट ऑफ IUCN, विच इज पार्ट ऑफ IUCN. तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए, दैट दिस ग्लोबल इन्वेसिव स्पीशीज डेटाबेस इज अ पार्ट ऑफ विच प्रोग्राम, ग्लोबल इन्वेसिव स्पीशीज प्रोग्राम के अंडर है. एंड दिस इज मैनेज बाय ISSP एंड विच इज अंडर SSC, दैट इज स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन विच इज अंडर IUCN. जब भी हम स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन की बात करेंगे, तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन विच ऑपरेट्स अंडर IUCN के अंडर ऑपरेट करते हैं, विच वॉज एस्टैब्लिश इन 1948. इट फोकसेस ऑन कंजर्वेशन ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज, their habitat at the global, मतलब their habitat को conservation करना focus करती है through global network of close to 10,000 volunteers है ये species survival commission में. and इनका focus यही है कि invasive मतलब species conservation करना, threatened species को conserve करना, invasive species को identification में focus करना. तो and it also manages IUCN red list, तो इस पर ये भी इस perspective से भी काम करते हैं. तो this organization is under IUCN, आपको पता चाहिए, एक important organization है under IUCN which looks into conservation of threatened species through a network of specialist, 10,000 specialist है इस organization. As we have already done into Global Invasive Species Program, क्योंकि इस प्रोग्राम के अंदर we have created database of Global Invasive Species, and this Global Invasive Species Program is a dedicated program to address the threat of invasive alien species. And इसका ये किसका ऑर्गेनाइजेशन है, किसने एस्टैब्लिश किया है ये प्रोग्राम, एक तो है IUCN, हमने बताया, नेचर कंजर्वेंसी एक इंपॉर्टेंट ग्लोबल लेवल पर NGO है, काबी एंड साउथ अफ्रीका नेशनल बायोडाइवर्सिटी इंस्टीट्यूट, इन तीनों ने मिलके, चारों ने मिलके ग्लोबल इन्वेसिव स्पीशीज प्रोग्राम बनाया है. सो बेसिकली व्हाट आई वांट टू टेल यू इज ग्लोबल इन्वेसिव स्पीशीज डेटाबेस इज अंडर ग्लोबल इन्वेसिव स्पीशीज प्रोग्राम के अंडर इसको एस्टैब्लिश किया गया है. लेकिन इसको मैनेज कौन कर रहा है, इन्वेसिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप इसको मैनेज कर रहा है. एंड दिस प्रोग्राम इज अंडर, मैंने जैसे बताया कि ग्लोबल इन्वेसिव स्पीशीज प्रोग्राम एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन इज अंडर SSC विच इज अंडर IUCN. तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए, ठीक है चलेगा. तो मूविंग फॉरवर्ड, गिव मी अ सेकंड, ठीक है सो मूविंग फॉरवर्ड, फ्यू ऑफ द इंपॉर्टेंट इन्वेसिव एलियन स्पीशीज विच आर इन न्यूज, आपको पता चाहिए, क्योंकि UPSC इस पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि आपको मेजर इन्वेसिव स्पीशीज इन इंडिया पता चाहिए. कैपाफाइसिस एक इंपॉर्टेंट सीवीड है विच इज इन न्यूज. ये सीवीड आर पॉजिटिव, मतलब ये ग्लोबल हम क्या कर रहे हैं, गल्फ ऑफ मन्नार में सीवीड कल्टिवेशन प्रमोट कर रहे हैं, बट हम कौन से सीवीड का प्रमोशन कर रहे हैं, कैपाफाइसिस विच इज अ इन्वेसिव एलियन स्पीशीज विच इज अफेक्टिंग द अदर मरीन इकोसिस्टम ऑफ गल्फ ऑफ मन्नार. तो ये एक न्यूज में है. तो दिस कैपाफाइसिस इन्वेसिव एलियन स्पीशीज इज अफेक्टिंग कोरल रीफ्स इन गल्फ ऑफ मन्नार. तो ये कैपाफाइसिस एक इंपॉर्टेंट स्पीशीज है जो न्यूज में है. Then we have another important invasive species which is affecting tiger population, that is Lantana camara and Pogostemon. एक important invasive alien species है which is found in Kana reserve and which is affecting tigers. एक important है. Next is Kerala में, as I've already told you, Carabin Falls मुसल है विच इज अफेक्टिंग द ऑयस्टर कल्टिवेशन एंड ऑयस्टर पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रही है. देन वी हैव अगेन एन इम्पॉर्टेंट इन्वेसिव एलियन स्पीशीज जो आपको पता चाहिए, सेमैया कैरेविलम एक इम्पॉर्टेंट इन्वेसिव एलियन स्पीशीज है जो विच इज इन न्यूज एंड मेजरली केरला रीजन में फाउंड मिलती है. नेक्स्ट इज विथ रिस्पेक्ट टू प्रिकली पियर, नीलगिरीज रीजन में मिल रही है, नया टाइप ऑफ इन्वेसिव एलियन स्पीशीज है, प्रिकली पियर भी न्यूज में है. तो ये सारे आपको पता चाहिए. नेक्स्ट इज अगेन लुडविगिया
Peruviana, again it is found in invasive alien species which is threatening elephant habitat. तो ये examples आपको देने हैं कि कौन सा invasive alien species is affecting which habitat. तो ये elephant habitat has been affected by Ludwigia Peruviana, ठीक है, एक important है. Senna spectabilis is also one of the important invasive alien species which is in news, constantly in news. तो ये सारे invasive species पता चाहिए क्योंकि UPSC ये नाम देगा, Ludwig Peruviana, Senna spectabilis, Lantana camara, वो prickly pear का नाम दे देगा, वो नाम दे देगा Simia caruvalium, उसका नाम दे देगा एंड पूछेगा इसमें से कौन से invasive alien species है, Caribbean false mussel, ये सारे न्यूज में है, इतने बार न्यूज में है. लैंटेना कैमरा हो गया, पोगस्टेमोन हो गया, ये सारे न्यूज में है, कैपाफाइसिस न्यूज में है. तो ये जानना जरूरी है क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं ये, ठीक है. एकेसिया मेरनेसी, एकेसिया मेरनेसी इज ऑल्सो न्यूज, लैंटेना कैमरा न्यूज में है, ठीक है. देन सेना स्पेक्टेबलिस विच इज फाउंड इन नीलगिरीज, अगेन इन न्यूज, सेना स्पेक्टेबलिस ये एग्जाम्पल भी दिया है. गुजरात में अगर आपने रिसेंटली देखा होगा, गुजरात गवर्नमेंट व्हाट इट डज इज फॉर एंश्योरिंग कि मैंग्रोव ट्रीज ग्रो करे अक्रॉस द कोस्ट, उन्होंने एक इन्वेजिव एलियन स्पीशीज का, मैंग्रोव का स्पीशीज का ग्रो किया विच इज अ वेरी हार्मफुल स्पीशीज, इसका नाम है कैना कार्पस ट्रीज. तो गवर्नमेंट ही इन्वेजिव एलियन स्पीशीज लगा रहा है, उनको पता नहीं है, उनको लग रहा है ये फास्ट ग्रोइंग है, जैसे ही फास्ट ग्रोइंग है मतलब इट इज अफेक्टिंग द लोकल स्पीशीज. तो एंड दिस स्पीशीज कैना कार्पस इज नॉट, मतलब इसको मतलब एनिमल्स कैन नॉट इवन ईट इट, तो एक इंपॉर्टेंट है. एंड इट इज यूज फॉर ब्यूटिफिकेशन, तो ये बहुत जल्दी ग्रो करता है, तो ब्यूटिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट भी लगा रहा है, लोग भी लगा रहे हैं. बट इट इज वेरी ग्रास, मतलब इट इज नॉट पैलेटेबल बाय द वाइल्ड हर्बीवर्स, भी पता है हर्बीवर्स भी इसको खा नहीं सकते, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स भी नहीं खा सकते, लेकिन इट इज अफेक्टिंग द लोकल इकोसिस्टम. तो ये एक इंपॉर्टेंट व्हाट यू से स्पीसीज है जिसके बारे में पता चाहिए, दैट इज कैना कार्पस ट्री विच इज ग्रोन इन गुजरात बाय द गवर्नमेंट एंड इट इज अ मैंग्रोव इन्वेजिव एलियन स्पीसीज, ठीक है. ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है. चलो लेट्स सॉल्व दिस एमसीक्यू, आई वॉन्ट यू टू सॉल्व दिस एमसीक्यू एवरीवन, आई वॉन्ट एवरीवन टू गिव द आंसर. I want everyone to give the answer. Ye kaun sa hai? Permethium. I think so. This is Congress grass, which we used to call. So this is an invasive alien species. Sabko pata hai, Congress grass is an invasive species. Kaka. कोना कार्पस मैंग्रोव्स इज अ इन्वेजिव एलियन स्पीशीज, प्रिकली पियर इज ऑल्सो इन्वेजिव एलियन स्पीशीज. अब साला सोला ये क्यों न्यूज में है, ठीक है, बिकॉज वॉट वी फाउंड इज अ न्यू स्पीशीज, तो ये एक इन्वेजिव एलियन स्पीशीज नहीं है, तो इसमें आंसर थ्री है, ओनली थ्री है. दिस इज अ न्यू स्पीशीज विच वी हैव फाउंड इन इंडिया, तो ये न्यू स्पीशीज है, एलियन स्पीशीज नहीं है, तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए. तो आंसर इज थ्री, ओनली थ्री. चलेगा. तो क्या सीखा आज के सेशन से, सबसे इंपॉर्टेंट है, लेट्स रिवाइज व्हाट डिड वी लुक इनटू. हमने स्टार्ट किया आईपीबीएस के रिपोर्ट से. आईपीबीएस का रिपोर्ट कौन सा रिपोर्ट है, असेसमेंट ऑफ इन्वेसिव एलियन स्पीशीज एंड देयर कंट्रोल. तो हमने आईपीबीएस देखा, आईपीबीएस का हेडक्वार्टर कहाँ है, बॉर्न में है, क्या रोल है इसका, साइंस एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क एंश्योर करना कि क्रिएटिंग अ पॉलिसी एंड बायोडाइवर्सिटी को लिंक करना थ्रू साइंस फ्रेमवर्क, ठीक है. हमने आईपीबीएस के बारे में देखा, हमने उसके रिपोर्ट के बारे में देखा, हमने उस रिपोर्ट के अंदर देखा कि हमने देखा कि इन्वेसिव एलियन स्पीशीज बढ़ रहे हैं. रीजंस, तीन इंपॉर्टेंट रीजंस देखे हमने, देखा कि यार ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है एंड एंथ्रोपोजेनिक रीजन है. देन वी लुक्ड इनटू इट्स इम्पैक्ट हमने देखा, इम्पैक्ट में हमने देखा कि इकोलॉजिकल इम्पैक्ट है. हमने ईविल कॉर्टेट देखा कि ईविल कॉर्टेट है तो इट इज अफेक्टिंग कैरिंग कैपेसिटीज, इट इज क्रिएटिंग कॉम्पिटिशन. नीश से क्या हो रहा है, कॉमन नीश हो गया, मतलब क्या होगा, कॉम्पिटिशन होगा, हमारा बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा. हमने यहाँ डेटा भी देखा कि क्लोज टू 200 इन्वेसिव एलियन स्पीशीज इज लीडिंग टू डेथ ऑफ 1200 नेटिव स्पीशीज. हमने इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी देखा, क्लोज टू $423 बिलियन का लॉस हो रहा है. हमने ह्यूमन इम्पैक्ट भी देखा, हेल्थ इम्पैक्ट देखा, हमने देखा कि हैबिटेट कैसे इम्पैक्ट हो रहा है. हमने स्पीशीज के नाम देखे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्पीशीज के नाम देखे विच इज अफेक्टिंग टाइगर हैबिटेट को अफेक्ट कर रहा है, जैसे
सेना स्पेक्टेबिलिस ये नीलगिरीज में कॉमन है. लैंटना है कैमरा विच इज अफेक्टिंग द वेस्टर्न घाट्स. सेना स्पेक्टेबिलिस एक इंपॉर्टेंट है. हमने लुडविक देखा पेरुआना विच इज अफेक्टिंग एलिफेंट हैबिटेट. वी हैव ऑल्सो सीन टू इंपॉर्टेंट स्पीशीज विच इज अफेक्टिंग टाइगर टाइगर हैबिटेट. लैंटना कैमरा हो गया या पोगस्टेमॉन हो गया, ये किसको अफेक्ट कर रहा है? टाइगर्स को अफेक्ट कर रहा है. हमने कैपाफाइसिस देखा क्योंकि कैपाफाइसिस इज अ सीवीड जो गवर्नमेंट प्रमोट कर रहा है. क्यों प्रमोट कर रहा है? क्योंकि सीवीड कल्टिवेशन हमने नया मिशन लाया है, लेकिन इट इज अफेक्टिंग आर कोरल रीफ्स. हमने ये देखा. हमने ग्लोबल इन्वेसिव स्पीशीज प्रोग्राम देखा. इन्वेसिव स्पीशीज डेटाबेस देखा विच इज मैनेज बाय इन्वेसिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप विच इज अ पार्ट ऑफ IUCN's सी स्पीशीज सर्वाइवल प्रोग्राम. बट दिस स्पीशी इन्वेसिव स्पीशीज डेटाबेस इज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल इन्वेसिव स्पीशीज प्रोग्राम विच इज अ इनिशिएटिव ऑफ IUCN, काबी नेचर कंजर्वेंसी एंड साउथ अफ्रीकन इंस्टीट्यूट उसका है. तो ये सारी चीजें हमने देखी. हमने देखा कि कौन से इनिशिएटिव्स के अंदर हम इन्वेसिव एलियन स्पीशीज का रोकना चाह रहे हैं. कुनमिंग मॉन्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के अंदर भी वी हैव अ टारगेट, टारगेट नंबर 6 विच प्लान्स टू रिड्यूस द इन्वेजन ऑफ इन्वेसिव एलियन स्पीशीज बाय 50%. सीबीडी के अंडर, सीएमएस के अंडर, साइट्स के अंडर भी वी आर ट्राइंग टू टैकल इट. ह्यूमन क्या क्या इम्पैक्ट हो रहा है, सारी चीजें हमने देखी. तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट लेक्चर जिसके दिस इज फ्रॉम प्रिलिम्स एस्पेक्ट एंड मेंस पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है. इम्पॉर्टेंट है कि हम जो इसके नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलने वाले हैं. वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज अगर आप सीरियस हो अबाउट प्रिलिम्स प्रिपरेशन, यू कैन थिंक अबाउट इट. ओनली 1000 rupees. वी हैव गिवन यू क्वेश्चंस की क्वालिटी भी देख सकते हो. सेकंडली कल से हमारा मेंस बैच भी स्टार्ट हो रहा है. संकल्प मेंस बैच वुड बी द लास्ट वन ऑफ द लास्ट बैचेस जहां हम मेंस 120 डेज में बाय जस्ट गिविंग 2.5 hours आप कवर कर सकते हो. उसका भी आप क्वालिटी देख सकते हो, रिव्यू देख सकते हो. कल हमने एक अभिषेक सर का इंटरव्यू डाला था, उनके नोट्स डाले थे, आप सब चेक कीजिए. मार्केट में 10 टेस्ट विद इवैल्यूएशन के 12,000-15,000 है. हम यहाँ 12 टेस्ट विद इवैल्यूएशन देंगे प्लस हर एक टॉपिक सिखाएंगे आपको, आपके नोट्स बनवाएंगे. आप खुद चेक कीजिए क्वालिटी. इतने हमने 17 लेक्चर्स डाले हैं टारगेट परिश्रम सीरीज के, आप 17 लेक्चर देखिए. कौन से एक लेक्चर में अगर आपको क्वालिटी अच्छी नहीं लगी तो अनसब्सक्राइब कर देना. मैं यही बोल रहा हूँ, हर एक जो हम लेक्चर लेते हैं, हर एक जो हम वीडियो निकालते हैं बहुत क्वालिटी है. ठीक है, अगर आपके कोई दोस्त है आप उनसे पूछिए. एवरीथिंग व्हाट वी हैव डन इज, एंड आपको सपोर्ट आपके मेंस तक मिलेगा. इस सेशंस में जो भी करंट अफेयर्स आएगा वो आपको मतलब इस बैच में आफ्टर 120 डेज आपको आपके मेंस तक हम उसको करंट अफेयर्स का अपडेट देंगे थ्रू टेलीग्राम ग्रुप. तो एंड इसका स्टैटिक पार्ट के हर एक टॉपिक पर नोट्स बनवाएंगे. हमने प्रूफ के साथ डाला है कि कितने क्वेश्चंस डायरेक्टली आए हैं हमारे बैच से, बिकॉज इट इज एग्जाम ओरिएंटेड. एंड डेफिनेटली अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो लाइक कीजिए, क्योंकि वी हैव 1000 likes का वीडियो, 1000 likes का टारगेट. जब 1000 likes आएंगे तभी हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे. थैंक यू.